Good morning, dear children. How are you all? Hope you all are good and utilizing your time in your studies. Students, as we have completed our first 7 chapters from your SST book, now today we are going to start chapter number 8, that is Sources of History and Timelines. Okay, children, in this chapter we will know what is history and what are the sources from which we get the information about the past and what are timelines. Okay, now let's start the chapter. Anu is very happy. She has just completed her holiday project. Anu bahut zyada happy hai because usne apne holiday project ko complete kar liya. The topic of her project is my family history. Aur uske jo project ka topic hai wo kya hai? My family history means mere family ki history. During the summer vacation, she went to visit her grandparents who live in Kerala. और समर वेकेशन में वो कहाँ जाती है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती है जो कि केरला में. अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, सिस्टर, अंकल, आंटी एंड कज़िन. और किसके किसके साथ जाती है? पेरेंट्स, सिस्टर, अंकल, आंटी एंड कज़िन्स. शी आस्क्ड देम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हाउ देयर लाइफ्स हैड चेंज्ड ओवर द ईयर्स. और वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है कि कैसे जो पहले के टाइम के वहाँ पे लोग थे उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई इतने सालों में. शी रोट ऑल द डिटेल्स अबाउट हर एंसेस्ट्रल हाउस एंड फैमिली मेंबर्स इन हर डायरी. और वो हर एक चीज़ जो कि वो उनसे पूछती है वो सब अपनी डायरी में नोट करती है. जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस होता है मीन्स कि जो उनका जो उनके वहाँ पे पुराने लोग रहते थे, जो पूर्वज रहते थे, उनका जो घर था उनके बारे में सारी डिटेल्स लिखती है, राइट करती है. एंड फैमिली मेंबर्स इन अ डायरी. और वहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर्स थे रह करते थे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी डायरी में लिख लेती है. शी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर फैमिलीज पास्ट. और उसके बाद उसको अपने फैमिली के पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. दिस कैन बी कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ हर फैमिली. उसे क्या कहा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ हर फैमिली मीन्स की हिस्ट्री ऑफ फैमिली. ठीक है, फैमिली की हिस्ट्री उसे कहा जा सकता है. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली. आप अपने फैमिली की भी हिस्ट्री के बारे में ऐसे जान सकते हो. टेक द हेल्प ऑफ एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली एंड फिल द ब्लैंक्स बिलो. आप इस को अपने फैमिली में कोई भी मेंबर है उसकी हेल्प ले सकते हो और अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में जान सकते हो कि कौन कौन से लोग पहले रहते थे और कहाँ, मतलब हर एक चीज़ जान सकते हो. ठीक है, यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं. आप ये अपने फैमिली के बारे में अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से पूछ के इसमें फिल करोगे तो आपको अपने फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री को जानने के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं जिससे कि हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि पास्ट में कब कौन सी चीज़ हैपेंड हुई है, ये सब जान सकते हैं. ओके, इफ़ यू लुक एट अ फोटो एल्बम्स इन योर होम. अगर आप अपने घर में जो फोटो एल्बम्स हैं उसको देखोगे, यू मे सी फोटोग्राफ्स ऑफ अ टाइम When you were a baby, आप ऐसी भी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी जब आप छोटे बेबी थे, आप बेबी के उस टाइम की भी फ़ोटोज़ आपको दिखेंगी. फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे थे तो उस टाइम की भी फ़ोटोज़ होंगी, क्लोज रिलेटिव्स की फ़ोटोज़ होंगी, बर्थडेज एंड इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स की, ये सब आपको फ़ोटोज़ दिखेंगी. इन योर होम यू विल ऑल्सो फाइंड ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स. आपके घर में आपको ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स भी देखने को मिलेगी, लेटर्स सेंड टू योर एंड योर फैमिली, कुछ लेटर्स वगैरह पुराने होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे. ऑल दीज थिंग्स आर सोर्सेज विच टेल अस अबाउट योर फैमिलीज हिस्ट्री. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी हमारी फैमिली की जो हिस्ट्री है उसको बताती हैं कि कैसे उस टाइम कैसे क्या होता था, ये सब उससे हमको पता चल जाता है. ठीक है, कुछ ये फैमिली की हिस्ट्री जानने के लिए सोर्स हो सकते हैं. जस्ट लाइक द फैमिली ऑफ आवर फैमिलीज, जस्ट लाइक द हिस्ट्री ऑफ आवर फैमिलीज, जैसे कि हमारी फैमिली की हिस्ट्री होती है, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीपल हु लिव्ड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो. ऐसे ही जो पीपल्स बहुत टाइम पहले रहा करते थे उनकी भी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत होती है. सो हाउ कैन वी लर्न अबाउट दैम
व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ देयर हिस्ट्री, तो उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, उसकी उनकी हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। हिस्ट्री एज वी नो, सॉरी, हिस्ट्री एज वी नो नाउ इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या होता है, अब हम जान सकते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट होता है, मीन्स कि जो पास्ट टाइम में हैपेंड हुआ है उसके बारे में जानना ही क्या है, स्टडी उसको जानना ही हिस्ट्री है। ओके, वी कैन लर्न अबाउट द पास्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे कि हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। दी सोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये सोर्सेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। यूज बाई द पीपल हु लिव्ड लॉन्ग अगो, जो कि पीपल बहुत टाइम पहले रहते थे, जो यूज़ करते थे कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह, उससे भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सच एज यूटेंसिल्स, जैसे कि कुछ बर्तन वगैरह होते हैं, वेपन्स होते हैं, पेंटिंग्स होती है, ओल्ड बुक्स होती हैं, जैसे पुराने टाइम में बहुत सारी ओल्ड बुक्स वगैरह होती थी, पेंटिंग्स वगैरह लोग बनाते थे, पेपर्स वगैरह जो होते थे, मैनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है, ये ओल्ड बुक्स होती है जो कि हैंड रिटन होती है, जो पुराने पीपल्स पहले के थे वो हैंड रिटन जो बुक्स होती हैं उनको मैनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। कॉइन्स हो गए, कुछ देखिए ओल्ड कॉइन्स, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं, एंड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस, जो पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनके जो अब कुछ रिमेन्स हैं, मीन्स कुछ बचे जो बिल्डिंग्स वगैरह ये सब अब नहीं हैं बट उनके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स वगैरह हैं, तो उससे भी हम ये पास्ट के बारे में जान सकते हैं। इवन ओल्ड फर्नीचर्स, क्लॉथ्स डैट पीपल वोर, और द टॉयज डैट चिल्ड्रन प्लेड विद द हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ पास्ट। और जो ओल्ड फर्नीचर्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं जो पीपल पहनते हैं और वेयर करते हैं, और जो टॉयज वगैरह जिससे चिल्ड्रन खेलते हैं, वो भी हमें पास्ट के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए पास्ट को हमारी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मीन्स कि जिससे कि हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे कि ये सारे मैनुस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, पेंटिंग्स, ठीक है, ये सब क्लॉथ्स वगैरह, टॉयज वगैरह, ये सब सोर्सेज हैं जिससे कि हम हिस्ट्री के बारे में इनसे भी जान सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइम लाइन्स। टाइम लाइन्स क्या होता है, टू नो अबाउट द पास्ट वी नीड टू नो वॉट हैपेंड। हमें पास्ट के बारे में जानना होता है तो उसके लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि वॉट हैपेंड, कि क्या हैपेंड हुआ है, एंड बिसाइड्स दिस वी ऑल्सो नीड टू नो वैन दोज थिंग्स हैपेंड, और क्या हैपेंड हुआ है, इसके अलावा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है वो चीज़ कब हैपेंड हुई है, वैन दोज थिंग्स हैपेंड। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द डेट्स एंड द इवेंट्स इन हिस्ट्री, हिस्टोरियन यूज द स्केल कॉल्ड टाइम लाइन्स। इसलिए ये जो डेट्स और इवेंट्स हैं, इन सब को जानने के लिए जो हिस्टोरियन एक स्केल यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम लाइन्स, मीन्स कि वो चीज़, वो पर्टिकुलर थिंग्स कब हैपेंड हुई है और क्या उस टाइम में हैपेंड हुआ है, तो इसको जानने के लिए हिस्टोरियंस एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसे हम टाइम लाइन्स कहते हैं। ठीक है, टाइम लाइन, इन अ टाइम लाइन द डेट्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू सिक्वेंस इन विच दे हैपेंड। और जो टाइम लाइन्स होती है उसमें क्या होता है कि जो डेट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जो भी हुए रहते हैं उनकी जो डेट्स होती है वो एक सीक्वेंस में लिखी होती है कि पहले कौन सा इवेंट हैपन हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ है, ऐसे एक सीक्वेंस में एक प्रोसेस लिखा होता है उसमें प्लेस होता है। दिस मीन्स डैट द अर्लीस्ट इवेंट इज हैपेंड फर्स्ट एंड फॉलोड बाई इवेंट्स विच टुक प्लेस लेटर। इट मीन्स कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, पहले ये लिखा रहता है, उसके बाद कौन सा हुआ है इसको लिखा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिक्वेंसिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, टाइम लाइन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेन द इवेंट्स ऑफ द पास्ट हैपेंड। टाइम लाइन क्या हमको हेल्प करता है कि कौन सा इस इवेंट पास्ट में हुआ है, ठीक है, वेन और कब हुआ है, वेन द इवेंट्स ऑफ द पास्ट हैपेंड, कि पास्ट में कौन सा इवेंट कब हुआ है। दिस इज़ अनूज टाइम लाइन, वुड यू लाइक टू मेक अ टाइम लाइन फॉर एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अनू की टाइम लाइन है, ऐसे अपने आप घर में कोई भी इवेंट है उसकी टाइम लाइन बना सकते हो। ठीक है, देखिए अनू की टाइम लाइन में
on 2007 she was born. ठीक है, 2007 में she was born. Then 2018 Anu started walking. Okay, and then 2010 she had a baby sister, and 2012 Anu went to school. Then 2014 Anu became the monitor of her class, and then last 2016 Anu took part in a dance drama. ठीक है, तो ये these are the timelines. ठीक है, ये अनु की timeline है. Okay, and आप अनु की टाइमलाइन की तरह अपने भी कोई भी घर में आपका फैमिली मेंबर है उसकी भी टाइमलाइन बना सकते हो. ओके, नो टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आंसर थ्री क्वेश्चन. टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें थ्री क्वेश्चंस का आंसर देती है. व्हाट, वेयर एंड व्हेन, कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कब हुई है उस और कब हुई है, कहाँ हुई है और उस टाइम क्या हुआ है, ये तीनों चीज़ हमें ये टाइमलाइन बताती है. ओके, इट इज़ ईजी टू मेक टाइम लाइन्स फॉर पीपल अराउंड अस. हमारे जो आसपास लोग हैं उनका टाइम लाइन बनाना तो बहुत ईजी है, हम बना सकते हैं. जैसे अनु ने अपना टाइम लाइन बनाया है ना. एंड फॉर इवेंट्स डैट टुक प्लेस रिसेंटली, और जो अभी अभी रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम ईजली पता कर सकते हैं, उनके लिए टाइम लाइन ईजली बना सकते हैं. बट वॉट अबाउट द पीपल हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो एंड इवेंट्स डैट हैपेंड वेरी वेरी लॉन्ग अगो. बट जो पीपल्स बहुत टाइम पहले यहाँ रहते थे या बहुत टाइम पहले जो इवेंट्स, बहुत टाइम पहले इवेंट्स हुए हैं जिनकी टाइम लाइन हम नहीं बना सकते, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा. ओके, देन वी काउंट द डेज मंथ्स एंड ईयर्स यूजिंग द सिस्टम ऑफ काउंटिंग कॉल द कैलेंडर. तब हम इसके लिए क्या करते हैं, डेज मंथ्स और ईयर्स के लिए हम एक काउंटिंग यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर. ठीक है, कैलेंडर तो आपने सबने, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस वर्ड कैलेंडर. ठीक है, एंड द कैलेंडर डैट वी यूज़ इज कॉल्ड द गैर्गन कैलेंडर. जो कैलेंडर हम इन सब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, टाइम लाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर. ओके, इट वॉज क्रिएटेड इन यूरोप ओवर 400 ईयर्स अगो. ये कहाँ पे सबसे पहले क्रिएट हुआ था, यूरोप में 400 ईयर्स पहले ये बनाया गया था. मोस्ट पीपल इन यूरोप एट दैट टाइम वर फॉलोवर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, और उस टाइम जो पीपल्स थे यूरोप में वो क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स थे. वो इस वजह से वो बिलीव करते थे जीसस क्राइस्ट जो थे उनके बर्थ को, और वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को वो मानते थे. सो दे टुक हिज बर्थ एज द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ऑन द ईयर वन. इसीलिए वो जो बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर है उसमें जीसस क्राइस्ट को ही उनका जो, सो दे टुक हिज बर्थ, तब वो अपने जो उनका बर्थ था उसी को ही कैलेंडर का बिगनिंग ईयर मान लिए थे. मीन्स कि जो फर्स्ट ईयर था वो उनको, उनके बर्थ को मान लिया गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर वन. और स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर वन, वन से स्टार्ट हुआ था ये ईयर. द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस वॉज रिटन विद द टर्म सीई, और जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ के बाद का टाइम था उसको सीई से, मीन्स कि कॉमन ईरा आफ्टर दैम, मीन्स कॉमन ईरा ऐसे लिखा गया था. बट द हिस्ट्री डिड नॉट स्टार्टेड विद द ईयर वन, बट जो हिस्ट्री थी वो ईयर वन से स्टार्ट नहीं थी, इट इज़ मच ओल्डर. ये तो बहुत ज़्यादा ओल्डर थी, है ना. सो हाउ डू वी काउंट द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो हम कैसे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इसको काउंट कर सकते हैं. तो दीज ईयर्स वॉज काउंटेड बैकवर्ड्स फ्रॉम वन. अब वन के पहले जो ईयर्स आ रहे थे फिर उनसे उसको काउंट किया गया. दे हैव द वर्ड्स बी सी ई, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ, बी सी ई, इट मीन्स कि बिफोर कॉमन ईरा रिटर्न आफ्टर दैम, उसके पहले के जो ईयर्स थे उसके पहले बी सी ई, इट मीन्स बिफोर कॉमन ईरा, ये लिखा गया. ठीक है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना है, हियर बी सी ई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन ईरा एंड सी, एंड हियर सी ई स्टैंड फॉर कॉमन ईरा. ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड द बेटर बाई लुकिंग एट द टाइम लाइन. आप इसको टाइम लाइन से ज़्यादा बेटर समझ सकते हो. नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हेन वी टॉक ऑफ समथिंग हैपनिंग इन 500 BCE, जब कुछ 500 BCE में कोई चीज़ हैपनिंग होती है, इट मीन्स डैट द पर्टिकुलर इवेंट हैपेंड
500 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो है, कोई इवेंट जो है, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 ईयर्स पहले हैपन हुआ था. ठीक है. एंड इफ़ समथिंग हैपन इन 1000 BC एंड दिस इज 2016, अगर कोई भी इवेंट 1000 BCE में हैपन हो रहा है और इस टाइम अगर 2016 है, तो फिर जो वो है, क्या बोलते हैं, इवेंट है, वो 3016 ईयर्स एगो हैपेंड हुआ होगा. इट मींस देखिए 2016, मान लीजिए अभी ये टाइम क्या है हमारा, 2016 है. ठीक है. बट 1000 पहले ये हुआ है, हैपेंड इवेंट, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3016 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके. सो रिमेंबर डैट वेन वी टॉक ऑफ CE वी काउंट फॉरवर्ड एंड वेन वी टॉक ऑफ BC वी काउंट बैकवर्ड. इट मीन्स अगर हमको CE के बारे में बताना होगा तो हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड काउंट करेंगे, बट जब हम BCE के बारे में बताएंगे तो हम बैकवर्ड काउंट करेंगे. ओके. नाउ डिड यू नो द यूज ऑफ द टर्म CE एंड BCE स्टार्टेड रिसेंटली. मोस्ट हिस्टोरियंस अर्लियर यूज AD एंड BCE. ये सारे CE और BCE अभी रिसेंटली इनका यूज़ हुआ है, हिस्टोरियंस ने इनका यूज़ किया है. बट पहले क्या होता था कि हिस्टोरियंस AD और BCE का यूज़ करते थे. एंड AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी इन लैटिन, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. BCE स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट. ओके. देखिए अब ये टाइम लाइन है, बर्थ ऑफ जीजस मान लेते हैं, ये बर्थ ऑफ जीजस ये है. ठीक है. तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट दीज आर द BCE ईयर्स. ये सारे क्या हैं, BCE ईयर्स, दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स. देखिए ये बैकवर्ड्स काउंटेड हो रहे हैं. इट मीन्स कि दैट द ईयर 500 BCE केम आफ्टर द ईयर्स 1000 BCE. ठीक है. मीन्स कि द इट मीन्स दैट द ईयर 500 BCE, देखिए यहाँ पे ये 500 BCE है ना, ये कब आ रहा है, आफ्टर द ईयर्स 1000 BCE. ये 1000 BCE के बाद में लिखा जा रहा है. एंड दीज आर द CE ईयर्स, दे आर काउंटेड फॉरवर्ड. ये फॉरवर्ड आगे की तरफ काउंट किया जा रहा है. इट मीन्स दैट द ईयर 500 CE, इट मीन्स कि 500 CE जो है वो बिफोर, मतलब पहले आ रहा है, बिफोर द 1000 CE. ओके. आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, or you can also ask me in the live class which is going to start from Tuesday. Okay. It means tomorrow. Okay children, thank you, take care, have a nice day.